लाइक सभी आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। कल एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, जिसमें अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं बराबर अधिकारियों से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, परकोटे के सभी विधानसभाओं में खुलेआम रोड पर, मंदिरों के आसपास, गली मोहल्लों में, हर कोने पर बहुत सारे मांस की दुकानें खुली हुई है। और मांस की दुकानें खुली है, मांस की दुकान का नियम होता है कि आप कोई सा भी काम मांस का करते हैं, कच्चा पक्का जो भी काम करते हैं, उसमें आपको ढक्के रखना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मैंने शिकायतें कई बार कई जगह की है और कई संस्थानों के, संगठनों के, माताओं बहनों के मेरे पास में शिकायतें लगातार आई है कि साहब हमारे क्षेत्र में खुलेआम हर कोने पर मांस की दुकान खुली हुई है। कोई बिरयानी के नाम से है, कोई चिकन सेंटर के नाम से, कोई किस नाम से है। सबका अपना काम आप करें, उसके नियम है, नियम के अनुरूप करें, आप लाइसेंस लेके करें, उसको ढक्के काम करने का नियम है, आप ओपन में नहीं कर सकते। इसका कई बार निवेदन किया अधिकारियों को। कल मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन करना चालू किया, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि साहब इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे गोविंद जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे तारकेश्वर जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे हनुमान जी के मंदिर के मार्ग में हो रहा है, हमारे गली के अंदर हो रहा है, गली के बाहर हो रहा है, हर जगह लगभग हजारों की संख्या में मांस की दुकानें खुली है। कोई दिक्कत नहीं, खुली है, खोले, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको बेचना बेचेगा। मेरा इतना सा निवेदन था कि इनको आप चेक करें, नियम अनुरूप काम करें, और जो नियम से नहीं है उनको आप बंद कर दें, और नियम जब लागू हो जाए तो वो खोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने, अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। एक मौके पे अधिकारी 3 घंटे बाद आए टीम लेके, तो मैंने कहा साहब आपने कहा कि ये बिल्कुल नियम से चल रहा है, तो हम मौके पे चलिए। मौके पे हम गए, उन्होंने 10-12 दुकान को पूछा, एक को भी लाइसेंस नहीं था। अधिकारी गए तो वो छोड़ के भाग गए, दुकान को शटर मार दिया, चले गए। और इस बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जैसे मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया कि ये जो दुकानें चल रही है, आप खुद मौके पे जाके, कोई भी व्यक्ति अगर लगता है मैं झूठ बोलता हूं, तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं, पूरे परकोटे में घूम सकते हैं। और परकोटे में इतने सारे मंदिर हैं, उनमें लोगों का आवागमन है, परकोटे में टूरिस्ट आता है, उनका आवागमन है, हमारी क्या छवि जाती होगी, क्या फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, खाली इनको देखे आप, और वो नालों पे, गंदगी पे भी वो काम कर रहे, तो बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक्के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला।